हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के टेस्ट को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टेस्ट था SKPONU01ARKN। ये टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज का 18th नंबर टेस्ट है। हर रोज़ की तरह लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिस भी स्टूडेंट ने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है, वो पहले टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा, बाद में डिस्कशन को देखेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसके एरर वाला पार्ट करने वाले हैं। अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर इतने मुश्किल नहीं थे कि हम इसमें 6+ स्कोर ना कर पाएं, क्योंकि ये एरर हमारे न्यूज़पेपर बेस्ड एरर थे। तो जिसकी भी रीडिंग थोड़ी बहुत अच्छी है या की हुई है, वो इसके अंदर 6+ नंबर आराम से ले पाएगा, ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 11th से। For Indians, it was Prime Minister Narendra Modi beaming as he met China's enigmatic looked President Xi Jinping watched by many anxious faced Chinese official। कह रहा है कि जो For Indians मतलब इंडिया के लोगों के लिए, it was Prime Minister, वो Prime Minister था, beaming means जो उसकी बात करने का तरीका है, जो वो साइन करता है, मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी है वो साइन करती है, या वो जो हंसता रहता है, स्माइल करता रहता है, तो उसकी जो वीमिंग है, एज ही मेट चाइनाज एनिग्मेटिक लुक्ड प्रेसिडेंट, जो चाइना के हमारे इस तरीके के लुक्ड, मतलब एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, जो हमारे कहते हैं रहस्यपूर्ण चीज़ें होती हैं, तो एनिग्मेटिक इस सेंस में कहते हैं। एक हमारा वर्ड भी होता है एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है पजल, जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब काइंड ऑफ रहस्य या उलझन टाइप में एनिग्मा यूज करते हैं। तो एनिग्मेटिक लुक्ड प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट था वो लुक्ड था या लुकिंग था, देखो हमें एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम कहते हैं यार वो अच्छा दिख रहा है, हैंडसम लुकिंग बॉय या प्रीटी लुकिंग गर्ल कहते हैं हम लोग जनरली, हैंडसम लुकिंग बॉय या प्रीटी लुकिंग गर्ल। तो लुक्ड वर्ड यहाँ पे गलत है, इसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, लुकिंग। जो दिख रहा था एनिग्मेटिक, क्या था वो, उनका प्रेसिडेंट था जिंग जिंपिंग, वॉच्ड बाय मैनी एंशियस फेस्ड, किन के द्वारा देखे गई है, जो हाथ मिला रहे थे और या वो मिल रहे थे, वो किन के द्वारा देखा गया, मैनी एंशियस फेस्ड, एंशियस मतलब उत्सुक थे वो, उनके चेहरे चाइनीज ऑफिशियल्स, जो चाइनीज के ऑफिशियल थे, मतलब जो उनके ब्यूरोक्रेट्स थे या उनके ऑफिसर्स थे, उनके द्वारा देखा गया है, ठीक है। तो शायद इनकी ये थी कि मीटिंग हो रही थी, उसके उपलक्ष्य में ये बात की गई है, तो यहाँ पे लुक्ड वर्ड नहीं आएगा, लुकिंग वर्ड आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में एरर था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, वट एवर द डिस्कशंस बिटवीन जिंग एंड मोदी, ही हैज़ नॉट सर्व्ड टू ईज बॉर्डर टेंशन, मतलब चाहे कुछ भी हो, कुछ भी तरीके के डिस्कशन हुए हो उनके बीच में, ही हैज़ नॉट सर्व्ड टू ईज बॉर्डर टेंशन। ईज बॉर्डर टेंशन का मतलब है कि जो उनकी बॉर्डर के ऊपर जो मतभेद चले हुए हैं, उनको इसने कम नहीं किया, पता नहीं किन चीज़ों कम, किन किस चीज़ ने कम नहीं किया, देखते हैं वो। एंड देट वॉज नॉट क्लियर, और ये भी क्लियर, दैट वॉज क्लियर आफ्टर अनदर एडिटोरियल रॉकेट, और ये बिल्कुल साफ था, आफ्टर अनदर एडिटोरियल रॉकेट, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल रॉकेट, इसका मतलब होता है जैसे कहीं पर जो संपादकीय पेपर होता है ना हमारा, एडिटोरियल लिखा जाता किसी भी न्यूज़पेपर में, वो एक रॉकेट की तरह काम करता है, मतलब किसी ने कुछ भी व्यंग कसा या किसी ने कुछ भी ऐसे मतलब तरीका है लिखने का कि इनडायरेक्टली चीज़ों को क्या है उसने मेंशन किया है, ठीक है ना। कई बार हम लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं क्लास के अंदर, तो एक छोटी सी बात के अंदर बहुत बड़ी बात कह देता है, तो वो एक रॉकेट की तरह काम करती है। तो एडिटोरियल रॉकेट हुआ, उसके बाद ये साफ थी किसके ऊपर था एडिटोरियल रॉकेट, एम्ड एट इंडिया अपीयर्ड इन मंडेज स्टेट रन चाइना डेली, वो क्या था, एक क्या था ये रॉकेट था काइंड ऑफ, इसने इंडिया पर ही एम किया, और वो किस में आया था वो रॉकेट, किस में छपा था वो, मंडेज स्टेट रन चाइना डेली, ये कोई अखबार का नाम उनका जो मंडे को छपता है, ठीक है ना। इसमें एक एडिटोरियल छपा था, एडिटोरियल प्रिंट हुआ था, वो एक काइंड ऑफ रॉकेट की तरह काम कर रहा था जो इंडिया के ऊपर चला था, ठीक है ना। तो ये इससे ये चीज़ साफ थी वो, ठीक है ना। क्या चीज़ साफ थी कि उन्होंने बॉर्डर टेंशन को क्या नहीं किया, ईज नहीं किया। तो सिर्फ हमें एरर ढूंढना है, यहाँ पे जो ही वर्ड आया, ही का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा, या तो यहाँ पे वो चीज़ होगी दे हैज़ नॉट सर्व्ड टू ईज, कि उन्होंने जो चीज़ बात की उन्होंने सर्व नहीं किया, या उन्होंने बनाया नहीं कि वो बॉर्डर टेंशन को कम करे,
तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्कशन के लिए आएगा, यहाँ पे दे वर्ड यूज होगा क्योंकि डिस्कशन हमारा प्लूरल है। तो दे हैज़ नॉट सर्व्ड, कि उन्होंने वो चीज़ नहीं साबित की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही की जगह दे यूज करेंगे, सेकंड पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं 13th। एट ए ग्लोबल लेवल द इमेज दैट कैप्चर्ड शिफ्टिंग इंटरनेशनल लीडरशिप डायनामिक्स हेड ऑफ US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीटिंग अलोन। एट ए ग्लोबल लेवल का मतलब बिल्कुल पूरे ग्लोबल लेवल पर देखें या पूरे एक हमारा विश्व स्तरीय लेवल पर देखें उसको, द इमेज दैट कैप्चर्ड शिफ्टिंग इंटरनेशनल लीडरशिप डायनामिक्स, वो इमेज जिसने कैप्चर किया है शिफ्टिंग इंटरनेशनल लीडरशिप डायनामिक्स। इंटरनेशनल लीडरशिप का मतलब होता है जो हमारे प्रेजिडेंट्स हैं, शिफ्टिंग का मतलब जो उनकी शिफ्टिंग हो रही है, कभी कोई बन रहा है कभी कोई को बन रहा है। डायनामिक्स मतलब चेंजेस, जो ये चेंजेस हो रहे हैं इस इमेज ने वो कैच किए हैं। हेड ऑफ US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीटिंग अलोन, आप देखो यहाँ पे यूज हुआ हेड। अगर हम लोगों को पता है कि हेड के बाद अगर वर्ब यूज होगी तो वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगी, या ये हेड अगर मेन वर्ब बनता है तो उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हेड अगर मेन वर्ब बनता है तो इसका मतलब पोजेशन है वो, और पोजेशन हमारा किसी चीज़ पर होता है, जैसे आई हैड ए वॉच, सी हैज ए कार, ठीक है ना, आई हैव ए कार इस सेंस में। तो एक कार वहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो मेरा पोजेशन किसी चीज़ पर होगा, वो चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये मेन वर्ब है। इसके आगे कुछ दिया नहीं गया कि किस चीज़ पर इसका पोजेशन है, तो ये हेड यहाँ पे गलत है, ठीक है। शायद वो इमेज वाज ऑफ आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, वाज ऑफ। क्यों? क्योंकि वो इमेज थी वाज ऑफ US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जैसे दिस इमेज, मैं यूज करता हूँ एक एग्जांपल, दिस इमेज इज ऑफ सोहन, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है ये किसकी है, सोहन की है। तो यहाँ पर भी वही है ना, वो इमेज किसकी है, हेड ऑफ नहीं, यहाँ पे आएगा वॉज ऑफ, कि वो वॉज ऑफ US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीटिंग अलोन, जो वो अकेला बैठा है उसकी इमेज है ये, जिसने कैप्चर किया है जो लीडरशिप में डायनामिक्स हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको वो दिखा रही है। आगे पढ़ते हैं, एंड आइसोलेटेड एज, और उसको आइसोलेट किया गया है, किसको, ट्रंप को, अदर ग्लोबल ट्रेडर्स कन्फेबुलेट। कन्फेबुलेट का मतलब होता है कि एक कन्वर्सेशन करना, कोई इन्वेंट करना प्लान्स वगैरह को, या कोई इवेंट्स करना किसी के पीछे। मान लो मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा, मेरी एक इंस्टीट्यूशंस हैं और मैं चाहता हूँ कुछ हो, लेकिन जो मेरे पीछे लोग हैं या जो मेरे नीचे काम करने वाले हैं वो कुछ और ही प्लान बना रहे हैं, तो कन्फेबुलेट सेंस इस सेंस में कहते हैं। तो जो अदर ग्लोबल ट्रेडर्स हैं वो अपने आप में एक अपनी यूनियन बनाए हुए हैं इन स्मॉल ग्रुप्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे, इसलिए उसको क्या छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं या अपने तरीके से अपने इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, मतलब मेंशन कर रहे हैं अपनी उसकी कन्वर्सेशन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, उसको सीटिंग अलोन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड यूज नहीं होगा, हेड की जगह वॉज यूज होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में आ रहा था, इस वॉज का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारा कहते हैं ना, टाइम इज़ ऑफ एसेंस, मतलब टाइम की अहमियत है, हमारा एक एग्जांपल होता है टाइम इज़ ऑफ एसेंस वाला, वो बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम इज़ ऑफ एसेंस बिल्कुल ऐसा ही, वो भी कि टाइम की मतलब जो समय है उसकी अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर इज यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द इमेज इलस्ट्रेटेड ड्रामेटिकल हाउ द वर्ल्ड ओवर फोर्ज्ड इन द एम्बर्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड इज बीइंग शेकन एंड स्टर्ड। यहाँ पे यूज किया है कि जो इमेज की बात की गई है कि उसने दिखाया है ड्रामेटिकल, उसने दिखाया है ड्रामेटिकल नहीं, यहाँ पे यूज होगा ड्रामेटिकली। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेटेड हमारी एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें यूज होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एडवर्ब की, तो ड्रामेटिकल एक एडजेक्टिव है, तो क्या यूज होगा, ड्रामेटिकली, एक्सेप्ट कि हमारी ये जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज होगा ड्रामेटिकली। हाउ द वर्ल्ड ऑर्डर फोर्ज्ड, फोर्ज का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन की तरफ सडनली जाना, ठीक है, कि हमारा जो वर्ल्ड का ऑर्डर है, जो हमारे की वर्ल्ड की जो डायरेक्शन है वो किस साइड जा रही है, इन द एम्बर्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड, कि जो हमारी एम्बर्स का मतलब होता है, जैसे हमारा कोयला होता है ना, वो जो जल रहा होता है, तो उसकी साइड, मतलब जो फोर्ज है उसकी डायरेक्शन, हमारे वर्ल्ड ऑर्डर की डायरेक्शन कहाँ पर है, वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ है, इज बीइंग शेकन, क्या है, उस ऑर्डर को क्या है, सेकन किया गया। सेकन का मतलब क्या है, डिस्टर्ब करना या उसको डिस्टर्ब करना, इसको खराब करना, डिसऑर्डर करना, काइंड ऑफ ऐसा अपसेट करना भी होता है हमारा,
ठीक है, जैसे आई एम सेकन का मतलब होता है मैं अपसेट हूँ, अगर कोई चीज़ सेकन की गई है तो वो डिस्टर्ब की गई है, ठीक है ना, उसको हिलाया डुलाया जा रहा है या उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। एंड स्टर्ड, स्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्साइट करना या अराउज करना कहते हैं हम लोग। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक एक्साइटमेंट लेके आ रहा लोगों के अंदर, कहने का मतलब यही है कि वो इमोशंस को क्या है जगा रहा लोगों को। तो जो इमेज है ऐसे ही इलुस्ट्रेट की गया, इसको इसको क्या है, इसको इमेज को ऐसे इलुस्ट्रेट किया गया है, ऐसे दिखाया गया कि जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है कैसे बढ़ रहा है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ, और उसको ऐसे चेंज किया गया है और वो इमोशंस को भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा वर्ड जो वर्ड है ये ड्रामेटिकल की जगह ड्रामेटिकली यूज होगा, सेकंड पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट एमर्जेस इन कमिंग ईयर्स कुड बी ए रेडिकली डिफरेंट ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर एंड इंडिया मस्ट स्ट्राइव माइट टू कार्व आउट ए एडवांटेजियस ए पोजिशन एज इट कैन इन द न्यू सिनेरियो, ठीक है। व्हाट एमर्जेस इन कमिंग ईयर्स मतलब क्या आएगा या क्या आता है आने वाले सालों में, कुड बी ए रेडिकली डिफरेंट ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर, कि वो हो सकता है कि रेडिकली डिफरेंट ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर का मतलब, ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर का मतलब जो हमारे पूरे ग्लोब के लिए अच्छा हो, डिफरेंट मतलब अलग ही, रेडिकल मतलब अपने आप में इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो एक ऐसा ऑर्डर सामने आएगा जो अगले सालों में आने वाला है, एंड इंडिया मस्ट स्ट्राइव माइट, वैसे अगर हम लोग यूज करते हैं माइट का एक नाउन के रूप में तो इसका मतलब होता है पावर, एक माइट हमारा होता है मोडाल, उसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें उस माइट पावर को स्ट्राइव नहीं करना, स्ट्राइव करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, गेट करना एफर्ट के साथ, ठीक है। तो हमें माइट पावर को हासिल में नहीं लेना है, बल्कि उस तरीके से करना हमें वो ऑब्टेन, हमें एफर्ट्स जो लगाने हैं वो पावरफुली लगाने हैं। तो पावरफुली एक हमारी एडवर्ब होगी, तो माइट किस जगह क्या यूज़ करेंगे हम लोग, माइटली यूज होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या यूज होगा माइटली। तो इंडिया मस्ट स्ट्राइव माइटली मतलब इसको अच्छे पावरफुल तरीके से क्या है उस चीज़ को पाना होगा, टू काव आउट यूज हुआ यहाँ पे, टू काव आउट, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बनाना अपने यूज़ के लिए, अपनी हेल्प के लिए, ठीक है ना। जैसे कोई भी मिसाइल बनाता है या कोई भी परमाणु बम बनाता है, वो काव आउट करता है अपनी पोजीशन के लिए, मतलब अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए वो उस चीज़ को, उस चीज़ की हेल्प लेता है, ठीक है। तो काव आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना अपनी हेल्प के लिए। तो काव आउट एज एडवांटेजियस, कि जो चीज़ उसने बनाई है या जिस चीज़ को गेट करेगा वो उसी उतनी एडवांटेजियस होगी एज ए पोजीशन, मतलब इसी पोजीशन पे एक उतनी एक कारगर सिद्ध होगी वो, एज इट कैन इन द न्यू सिनेरियो, जैसे कि अब नए सिनेरियो में वो चीज़ होगी। मतलब मान लो अगर मेरे को इस टाइम पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आगे आने वाले टाइम में भी जो चीज़ मैं प्राप्त करूँगा उस चीज़ की ज़रूरत होगी, कहने का मतलब इसका ये, ठीक है। तो यहाँ पे माइट की जगह यूज होगा हमारा माइटली। नेक्स्ट यूज कर, नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज ट्रंप वो सेट द टोन एंड डिफाइड मैनी कन्वेंशंस द समिट एंड ऑल्सो बाई हिज मूव्स सो द वर्ल्ड इज मूविंग इन न्यू डायरेक्शंस रैपिडली। इट वॉज ट्रंप, वो ट्रंप था, वो सेट द टोन, जिसने अपना इन्वायरमेंट सेट किया था, जिसने मतलब टोन सेट की थी, ठीक है। एंड डिफाइड, डिफाइड का मतलब होता है डिसओबे करना किसी चीज़ का, डिफाइड मैनी कन्वेंशंस, कन्वेंशन मतलब मीटिंग्स वगैरह को उसने डिसओबे कर दिया, ठीक है। द समिट, देखो यहाँ पे यूज हुआ समिट का मतलब, जब कई लोग मिलते हैं ना अपने कोई एक वाइड रेंज इफेक्ट के लिए तो वो एक समिट कहलाती है, लेकिन कन्वेंशंस कहाँ पे हुए थे, वो प्लेस के रूप में यूज हुआ है समिट, तो यहाँ पे कन्वेंशंस एट द समिट यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफाइड के बाद तो ऑब्जेक्ट आ गया लेकिन कन्वेंशंस कहाँ पे थे, ये उस समिट में थे, ठीक है। तो एट द समिट यूज होगा, समिट में थे। एंड ऑल्सो बाई हिज मूव्स, वो क्या था, उसने अपनी डिफाई कर दी कन्वेंशंस को, एंड ऑल्सो बाई हिज मूव्स, और उसके मूव्स के द्वारा भी ये पता लगा है, सो द वर्ल्ड इज मूविंग इन न्यू डायरेक्शन रैपिडली, उसके मूव से पता लगता है कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारी क्या है मतलब जो देश की दशा है, वो एक नई डायरेक्शन में बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। तो हमारा एरर था कहाँ पर था, सेट द टोन डिफाइंड मैनी कन्वेंशंस एट द समिट, सेकेंड पार्ट में एरर था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्क्रैप्ड हिज क्लोजिंग न्यूज कॉन्फ्रेंस। स्क्रैप्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को डिसमिस करना, क्या मतलब होता है इसका, डिसमिस करना। उसने डिसमिस कर दिया हिज क्लोजिंग न्यूज कॉन्फ्रेंस, क्लोजिंग मतलब जो पास आ रही थी उसकी न्यूज कॉन्फ्रेंस को उसने डिसमिस कर दिया,
ए डिसीजन अनाउंस्ड आफ्टर, जो ये डिसीजन है ये अनाउंस किया गया आफ्टर द अदर 19 सेंचुरीज, मतलब कंट्रीज, सॉरी आफ्टर द अदर 19 कंट्रीज ऑप्टेड टू गो अहेड, जब 19 देशों ने ऑप्ट किया, उन्होंने चाहा, उन्होंने सेलेक्ट किया कि हम लोग इस कन्वेंशन में जाएंगे, इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, उसके बाद इसने क्या किया, मैं उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊँगा भाई, ठीक है, विदाउट द US एंड इशूड ए स्टेटमेंट टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे यूज हुआ, देखो उसने डिसमिस कर दिया उस चीज़ को, मतलब मना कर दिया उसने कि कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगा। ये डिसीजन कब आया, आफ्टर द अदर 19 कंट्रीज ऑप्टेड टू गो अहेड विदाउट US, जब उन 19 कंट्रीज ने कहा कि हम लोग US के बिना ही काम चला लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तब उसने कह दिया भाई चलो ठीक है, तुम लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं भी यहाँ पे नहीं आऊँगा, ठीक है। एंड इशूड ए स्टेटमेंट, और उसने क्या है, एक स्टेटमेंट जारी की, सॉरी इशूड यहाँ पे इस बंदे के लिए यूज़ नहीं हुआ है, इशूड क्या है, उन कंट्रीज ने ऑप्ट किया और उन्होंने इशू किया एक स्टेटमेंट को, कहाँ पर, स्टेटमेंट टू फाइट, वैसे तो होना चाहिए टू फाइट, लेकिन हमारी स्टेटमेंट किसी चीज़ पर होती है तो स्टेटमेंट ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज से क्या है, फाइट करना है, इस चीज़ पर उन्होंने क्या है, एक स्टेटमेंट को इशू किया, ठीक है। तो हमारा एरर कहाँ पर है, हमारा एरर 17th वाला हमारा एरर है, फाइट यूज नहीं होगा यहाँ पे, या यहाँ पे टू यूज नहीं होगा, यहाँ पे या तो ऑन यूज करो या यहाँ पे यूज करो स्टेटमेंट टू फाइट, ठीक है, दोनों एरर हो सकते हैं हमारे तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, Nevertheless, the other countries took a conscious decision not to paper off differences. देखो जो ये हमारा क्वेश्चन था, ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था, शायद ही मतलब कोई बच्चा ठीक कर पाया हो इसको, लेकिन देखते हैं। Nevertheless का मतलब फिर भी, the other countries took a conscious decision. Conscious मतलब सभी के लिए बढ़िया, सभी ने सोच समझ के डिसीजन लिया है, not to paper off differences या पेपर ओवर कोई हमारी फ्रेजल वर्ब नहीं होती, हमारी फ्रेजल वर्ब होती है पेपर ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो हमें डिफरेंसेस को इसने क्या है, डिसीजन तो ले लिया लेकिन वो उन डिफरेंसेस को क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हम लोगों ने नेवरदलेस यूज़ किया, एक नेगेटिव एडवर्ब यूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेपर ऑफ की जगह पेपर ओवर यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो इट एज द US स्टेपिंग बैक फ्रॉम द ग्लोबल लीडरशिप रोल इट हैज एक्सरसाइज्ड, बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो, मतलब जैसे कि, परंतु कहने का मतलब यही है कि जैसे पूरे वर्ल्ड ने देखा है इट एज द US स्टेपिंग बैक, कि जो US हमारा जो पीछे हट रहा है इस ग्लोबल लीडरशिप रोल से, जो इसने अपने आप ने बनाया था कि मैं सब लोगों की क्या है, मैं क्या है उनकी हेल्प करूँगा, तो उस रोल से अपने आप को ये पीछे ले जा रहा है। सिंस द लास्ट हंड्रेड ईयर्स देखो हम लोग जब टाइम को काउंट कर लेते हैं तो काउंट कर लेने के बाद हम उससे पहले सिंस यूज नहीं करते, उससे पहले क्या यूज करते हैं, फॉर। तो फॉर द लास्ट हंड्रेड ईयर्स सिंस, और अब ये सिंस है उस टाइम से, सिंस के बाद हमें पास्ट देना है, सिंस इट क्रॉस्ड द ओशन एंड एंटर्ड वर्ल्ड वार सेकेंड, इसने इस चीज को कब से दिखाया है, जब से इसने क्रॉस किया है ओशन को और वर्ल्ड वार वन में एंटर किया था, ठीक है ना, उस चीज से ही इसे पता लग रहा है कि ये स्टेपिंग बैक कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टेपिंग बैक कर रहा है। तो हमारा थर्ड पार्ट में एरर था कि सीन्स की जगह फॉर यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द US हैड इट्स वे ऑन ट्रेड एंड ऑन टची टॉपिक ऑफ स्टील इंपोर्ट्स वेयर दे गॉट ए कमिटमेंट टू रैपिडली डेवलप कंक्रीट पॉलिसी सॉल्यूशन दैट रिड्यूस एक्सेस कैपेसिटी। तो US की बात की गई है, द US हैड इट्स वे ऑन ट्रेड, कि हैड इट्स वे का मतलब अब उस रास्ते पे था, किस पे, ट्रेड पर, एंड ऑन टची टॉपिक ऑफ स्टील इंपोर्ट, टची टॉपिक मतलब जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, किस चीज़ के, स्टील इंपोर्ट्स के, वेयर दे गोट ए कमिटमेंट। देखो अब कमिटमेंट किसको मिली है, अब US अपने रास्ते पे था इन चीज़ों पर, तो उसी को मिलेगी ना, तो यहाँ पे दे की जगह क्या यूज होगा, इट यूज होगा, इट गोट ए कमिटमेंट, इसको क्या है, एक धैर्य मिला, एक डिसीजन मिला है, कमिटमेंट मिली है काम करने के लिए, टू रैपिडली डेवलप, क्या करना, उसको डेवलप करना है बिल्कुल तेजी से, कंक्रीट डेवलप क्या करनी है, इसको कंक्रीट पॉलिसी सॉल्यूशन लेके आना है, कंक्रीट का मतलब बिल्कुल सॉलिड काइंड ऑफ, कहते हैं ना क्या होता है, सॉलिड बिल्कुल कामगार सिद्ध करने वाली चीज़ें, तो इसको पॉलिसी सॉल्यूशन लेके आनी है, ऐसी पॉलिसीज वगैरह बनानी है जो एक्सेस कैपेसिटी को क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दे की जगह क्या यूज होगा, इट यूज होगा,
तो हम लोगों ने एरर वाला पार्ट कर लिया इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फिलर वाला पार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।